हेलो गाइस, दिस इज विजय कुमार राठौर, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गूगल कॉन्टेक्स्ट जो है वो किस तरह से हमें यूज़ करना है, उसकी क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, वो आज हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। आपको यूट्यूब पे राठौर सॉफ्टवेयर सर्च करना है, देन क्लिक ऑन सब्सक्राइब, then click on bell icon, then select all options for all notification. Now let's dive into the video. सबसे पहले आपको यहाँ पर Google Chrome ओपन करना है। अगर आपका Google Chrome अपडेटेड नहीं है तो प्लीज़ अपडेट इट। यहाँ पर थ्री डॉट्स पे क्लिक करना रहेगा, then click on help, then click on about Google Chrome। क्लिक करते ही यहाँ पर ब्राउज़र जो है वो अपडेट के लिए सर्वर के साथ जुड़ जाएगा और नई अपडेट अगर आपको मिल रही है तो वहाँ पर वो डाउनलोड कर लेगा। हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो वर्ज़न है वो 93.0.47.77.82 है 64 बिट के लिए। सबसे पहले हमारा जीमेल जो है वो ओपन करेंगे। I'll just open my Gmail. हम यहां पर साइन इन पर क्लिक करेंगे। आपको भी आपका ईमेल आईडी यहां पर लॉगिन करना रहेगा। आप चाहें तो @ के बाद जीमेल वाला जो ऑप्शन है वो स्किप कर सकते हैं। नाउ यू हैव टू एंटर योर पासवर्ड। पासवर्ड एंटर करते ही यहाँ पर आपका अगर टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आई विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ इट। मैं यहाँ पर नोटिफिकेशन के लिए वेरिफिकेशन कोड जो है वो एक्सेस करूँगा। आई विल गेट द नोटिफिकेशन कोड। यहाँ पर मेरे मोबाइल में मुझे नोटिफिकेशन कोड जो है वो मिल गया है। आई जस्ट चेक एंड सेट इट टू इट। अब हम यहाँ पर नोटिफिकेशन कोड ऐड करेंगे। हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो जीमेल है वो लोड हो रहा है। हम देख सकते हैं हमारा जीमेल आईडी यहाँ पर लॉगिन हो गया है। आप चाहें तो नाइन डॉट्स पर भी क्लिक करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। हम यहाँ पर नाइन डॉट्स पर क्लिक करेंगे, देन कॉन्टेक्ट्स पर क्लिक करेंगे और एल्स यू कैन टाइप contacts.google.com। हम यहाँ पर क्रिएट कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे, क्रिएट अ कॉन्टैक्ट। यहाँ पर हम फर्स्ट नेम ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं मेरा जो नाम है वो यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। देन आई विल ऐड लास्ट नेम और मैं लास्ट में अभी TMP ऐड कर रहा हूँ। हम यहाँ पर कंपनी नेम भी ऐड करेंगे। आप चाहें तो जॉब टाइटल भी सेट कर सकते हैं। देन वी विल ऐड जो ईमेल आईडी, हम यहाँ पर ईमेल आईडी की डिटेल्स जो है वो ऐड करेंगे। नेक्स्ट, ये ईमेल आईडी के लिए हम टाइटल सेट करेंगे, होम, वर्क और अदर। हम यहाँ पर वर्क सेट करेंगे। नेक्स्ट मोबाइल नंबर ऐड कर रहे हैं। मोबाइल नंबर भी आप चाहें तो सेट कर सकते हैं, किसके लिए यूज़ हो सकता है, होम, वर्क, अदर, मोबाइल, मेन, होम फैक्स, वर्क फैक्स, गूगल वॉइस, पेजर। हम यहाँ पर वर्क के लिए सेट करेंगे। हम कोई नोट्स ऐड करना चाहें तो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज शो मोर। इसके अंदर क्लिक करते ही बहुत सारी जो पर्टिकुलर डिटेल्स है वो हमें ऐड करने के लिए ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, सफिक्स, फोनेटिक फर्स्ट, फोनेटिक मिडिल, फोनेटिक लास्ट, निकनेम, फाइल एज, अगर आप कोई फाइल अटैच करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट एड्रेस की डिटेल्स भी यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। लोकेशन में यहाँ पर कंट्री सेट कर सकते हैं, इंडिया। स्ट्रीट एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस लाइन 2, सिटी, पिन कोड, स्टेट,
पोस्ट ऑफिस, लेबल, डेट ऑफ बर्थ, इवेंट, वेबसाइट, रिलेशनशिप, चैट, इंटरनेट कॉल, कस्टम फील्ड और नोट्स। तो इस तरह से बहुत सारी फील्ड्स जो है वो हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं। मैं अभी इतनी ही डिटेल्स ऐड करके सेव करूँगा। हम देख सकते हैं डिटेल्स सेव करते ही ईमेल आईडी के अंदर जो भी इमेज सेट की हुई है वो यहाँ पर हमें एक्सेस करने को मिल रही है। आई जस्ट क्लिक ऑन कॉन्टेक्ट्स, हम देख लेंगे। हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो कॉन्टेक्ट है वो सेव हो गया। आई जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट कॉन्टेक्ट, उसके अंदर दूसरा एक ऑप्शन है क्रिएट मल्टीपल कॉन्टेक्ट्स, उस पर हम क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है वो देखने को मिल रहा है, ऐड नेम्स, ईमेल्स और बोथ। इस तरह से आप उसको ऐड कर सकते हैं। उसका एग्जांपल भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है। और एल्स यू कैन इम्पोर्ट CSV और वी कार्ड फाइल। आपके मोबाइल के अंदर ऑप्शन आता है हाउ टू एक्सपोर्ट द कॉन्टेक्ट्स, वो पर्टिकुलर फाइल को भी एक्सपोर्ट करके आप यहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हैं। इसका मेजर फायदा ये है कि कभी भी आप अपना मोबाइल चेंज कर रहे हैं या तो आपका मोबाइल मिसप्लेस हो गया तो उस केस के अंदर आपके कोई भी कॉन्टेक्ट्स जो है वो नहीं जाएंगे। यहाँ पर जीमेल के अंदर जितने भी कॉन्टेक्ट्स सेव किए हुए हैं वो डायरेक्टली इम्पोर्ट हो जाएंगे नेक्स्ट डिवाइस के अंदर। ये बहुत ही बढ़िया फीचर है जिसकी वजह से हम हमारे कॉन्टेक्ट जो है वो कभी भी यहाँ पर मिसप्लेस नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर इम्पोर्ट कॉन्टेक्ट्स पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट अ फाइल। मैं यहाँ पर फाइल को सिलेक्ट करूँगा। आई जस्ट ओपन दिस फाइल। मैंने कॉन्टेक्ट्स करके एक फाइल बना के रखी हुई है। आप ये पर्टिकुलर फाइल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन ईजिली डाउनलोड इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं यहाँ पर TMP 1 कर देता हूँ दोनों नाम में। I'll just set it to 1। हम देख सकते हैं सेम फील्ड्स हमें यहाँ पर एक्सेस करने को मिल रही है, नेम, गिवन नेम, एडिशनल नेम, फैमिली नेम, यूमी नेम, गिवन यूमी नेम, एडिशनल नेम यूमी, फैमिली नेम यूमी, नेम प्रीफिक्स, नेम सफिक्स, इनिशियल्स, निकनेम, शॉर्ट नेम, मिडल नेम, बर्थडे, जेंडर, लोकेशन, बिलिंग इन्फॉर्मेशन, डायरेक्टरी सर्वर, माइलेज, ऑक्यूपेशन, हॉबी, सेंसिटिविटी, प्रायोरिटी, सब्जेक्ट, नोट्स, लैंग्वेज, फोटो, ग्रुप मेंबरशिप, ईमेल वन टाइप, ईमेल वन वैल्यू, ईमेल टू टाइप, ईमेल टू वैल्यू, फोन वन टाइप, फोन वन वैल्यू, एड्रेस वन टाइप, एड्रेस वन फॉर्मेटेड, स्ट्रीट, सिटी, PO बॉक्स, रीजन, पोस्टल कोड, कंट्री, एक्सटेंडेड एड्रेस, ऑर्गेनाइजेशन वन टाइप, ऑर्गेनाइजेशन वन नेम, यूमी नेम, टाइटल, डिपार्टमेंट, सिंबल, लोकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट वन टाइप, वेबसाइट वन वैल्यू। इस तरह से बहुत सारी फील्ड्स जो है वो आपको एक्सेस करने को मिल रही है। हम इस फाइल को सेव करेंगे। आप चाहें उतनी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर सेव करके एक्सेस कर सकते हैं। आई जस्ट सेव दिस फाइल एंड अपडेट इट। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और ओपन करूँगा, देन इम्पोर्ट पर क्लिक करूँगा। जितनी भी डिटेल्स आपने यहाँ पर सेट की होगी उसके हिसाब से आपको यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट जो है वो ऐड करने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही सक्सेसफुली जो हमारी कॉन्टेक्स्ट वाली जो फाइल है वो ऐड करने को मिल रही है। हम यहाँ पर देख सकते हैं जो पर्टिकुलर डिटेल्स है वो दो अलग अलग बार यहाँ पर सेव करके हमें एक्सेस करने को मिल रही है। मैंने यहाँ पर जो दूसरा नाम सेट किया हुआ था विजय राठौर TMP 1 करके, वो भी यहाँ पर आपको एक्सेस करने को मिल रहा है। अगर आपके पास मल्टीपल पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट्स हैं तो उसको आप मर्ज भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है मर्ज एंड फिक्स, क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है कौन कौन से पर्टिकुलर जो नंबर्स है वो सेम है और आपने अलग अलग नाम से सेव किए हुए हैं, तो इसको आप मर्ज भी कर सकते हैं। मर्ज डुप्लीकेट्स पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर मर्ज पर क्लिक करेंगे तो ये दोनों कॉन्टेक्ट्स को सिंगल कॉन्टेक्ट के तौर पर मर्ज भी कर देगा।
इससे आपको जो नंबर है वो सर्च करने के लिए बहुत ही आसानी रहेगी। यहाँ पर अलग अलग लेबल्स हैं, लेबल्स भी आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, वी कैन सी दैट। यहाँ पर अलग अलग इम्पोर्टेड जो पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट है उसकी डिटेल्स जो है वो आपको एक्सेस करने को मिल रही है। यहाँ पर आप चाहें तो अलग से लेबल क्रिएट करके भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं मेरे स्कूल के बच्चों का जो नंबर है वो सेव करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर सेट करूँगा क्लास 7-20-21-22 और सेव कर लूँगा, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास एक लेबल हो गया, इस लेबल को हम एडिट भी कर सकते हैं। जब भी हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट जो है वो सेव करेंगे, मैं फिर से एक कॉन्टैक्ट जो है वो सेव कर रहा हूँ, आई जस्ट क्रिएट अ सिंगल कॉन्टैक्ट ऑफ इट। मैं यहाँ पर TMP1 करके उसको सेव करूँगा। हम देख सकते हैं यहाँ पर जो पर्टिकुलर ब्लैंक कॉन्टैक्ट की डिटेल्स है वो हमें एक्सेस करने को मिल रही है। सबसे पहले हम यहाँ पर लेबल आइकॉन पर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर क्लास 7-20-21-22 जो लेबल है उसको यूज़ करूँगा और अप्लाई करूँगा। इससे क्या होगा कि जो भी ये कॉन्टैक्ट्स मैं सेव करूँगा वो किस लेबल के अंडर आएगा, क्लास 7-20-21-22 के तौर पर। मैं यहाँ पर TMP1 सेव कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं TMP लिखूँगा, देन हम जेन भी यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखेंगे। मैं मेरी स्कूल का नाम लिख रहा हूँ, ईमेल आईडी xyz@gmail.com फॉर एग्जांपल। मैं यहाँ पर डमी एंट्री ऐड कर रहा हूँ, सो डोंट वरी, यहाँ पर कोई पर्सनल डिटेल्स जो है वो शेयर नहीं हो रही है। हम सेव पर क्लिक करेंगे, सो वी कैन सी दैट हमारा जो लेबल है उसके अंदर हम देख सकते हैं एक कॉन्टैक्ट जो है वो आ गया। लेबल्स पर क्लिक करेंगे, लेबल्स पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि वो पर्टिकुलर टाइटल के अंदर जितने भी हमने जो कॉन्टैक्ट्स सेव किए होंगे उसकी लिस्ट जो है वो यहाँ पर हमें एक्सेस करने को मिल जाएगी। इससे क्या होगा कि जो भी हम नंबर्स जो है वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या तो शेयर करना चाहते हैं किसी के साथ, तो हम इजीली उसको शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर लेबल्स जो है वो ऐड कर सकते हैं और उसका यहाँ पर बाइफर्गेशन तुरंत ही आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज एक्सपोर्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपने टाइटल्स बनाए होंगे वो पर्टिकुलर टाइटल के हिसाब से आपको यहाँ पर जो डिटेल्स है वो मिल जा रही है। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल क्लास 7-20-21-22 जो लेबल है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा और आप चाहें तो यहाँ पर उसको अलग अलग फॉर्मेट के तौर पर सेव कर सकते हैं, एक्सपोर्ट एज गूगल CSV, आउटलुक CSV, वी कार्ड। मैं यहाँ पर गूगल CSV फाइल जो है वो सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। हम यहाँ पर फाइल को ओपन करेंगे, सो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने TMP पर्टिकुलर स्टूडेंट की डिटेल्स जो है वो फिल करी थी और उसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो आप इस तरह से जो अलग अलग टाइटल्स के द्वारा अलग अलग जो स्टूडेंट्स की डिटेल्स है वो स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से बहुत सारे ग्रुप बना के अपने अपने जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको ऐड करके यहाँ पर जो पर्टिकुलर फैमिली मेंबर्स हैं, आप इस तरह से अलग अलग ग्रुप्स जनरेट करके लेबल के थ्रू हम यहाँ पर अलग अलग जो कॉन्टैक्ट्स है उसको बाइफर्गेट करके यूटिलाइज कर सकते हैं। लेट्स क्लोज दिस फाइल। आप चाहें तो यहाँ पर उसको सीधा प्रिंट भी कर सकते हैं, आई जस्ट क्लिक ऑन प्रिंट, सेलेक्ट द लेबल एंड क्लिक ऑन प्रिंट। प्रिंट पर क्लिक करते ही आपको प्रिंट प्रीव्यू जो है वो यहाँ पर एक्सेस करने को मिलेगा। आप चाहें तो उसको PDF भी बना सकते हैं। डिटेल्स इज स्टिल लोडिंग, वी विल वेट फॉर सम टाइम। हम यहाँ पर पेज सेटअप के तौर पर A4 सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट की डिटेल्स जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हमें एक्सेस करने को मिल रही है। आई जस्ट सेव दिस फाइल एज अ PDF, मैं डेस्कटॉप पर सेव करूँगा।
अदर कॉन्टैक्ट्स पर भी क्लिक करके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। जितने भी ईमेल आईडी आपने अपने जो पर्टिकुलर ईमेल के अंदर स्टोर किए होंगे या तो यूज़ किए होंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग जो डिटेल्स है वो यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। आप चाहें तो ट्रैश के अंदर जो भी पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट्स हैं उसको भी यहाँ पर रिकवर कर सकते हैं। आपने अगर कोई गलती से कॉन्टैक्ट जो है वो डिलीट कर दिया है तो उसको रिकवर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर नंबर जो है वो यहाँ पर रिकवर करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर विजय राठौड़ TMP पर क्लिक करके हम रिकवर करेंगे, और एम्प्टी ट्रैश पर क्लिक करके जितने भी पर्टिकुलर जो नंबर्स है या तो ईमेल है आपने डिलीट किए हुए हैं वो यहाँ पर क्लीन हो जाएंगे। हम एम्प्टी ट्रैश पर क्लिक करेंगे जिससे जितने भी पुराने कॉन्टैक्ट्स हैं वो यहाँ पर डिलीट करके हम उसको क्लियर कर सकते हैं। इसके बारे में आपको कोई भी क्वेरीज हैं प्लीज़ डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। वी विल डेफिनेटली गिव द रिस्पॉन्स ऑफ इट एंड वी विल ट्राई टू रिसोल्व योर ऑल क्वेरीज। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल रहा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट। इससे हमें जो वीडियोज़ हैं उसको बनाने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। For more technical videos, please click on subscribe button and do not forget to press the bell icon for notifications of new videos.